आज हम मेज ब्रीडिंग पर चर्चा करेंगे। इसे क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है क्योंकि इसमें C4 प्लांट होने के कारण इसकी उत्पादन क्षमता यील्डिंग कैपेसिटी सीरियल क्रॉप में सर्वाधिक होती है। इसका बॉटनिकल नेम जिया मेज और ये फैमिली पोएसी के अंतर्गत आता है। इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। मोनोसियस प्लांट होता है मेज का प्लांट। इसमें टेसल और कॉब, टेसल मेल इन्फ्लोरेसेंस है और कॉब फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, जो कि एक ही पौधे पर होते हैं इसलिए मोनोसियस है। और प्रोटेंड्रस नेचर की होती है क्योंकि इसमें एंथर्स स्टिग्मा के पहले मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए प्रोटेंड्रस नेचर की क्रॉप है। सार डे प्लांट है। इसका ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको में माना जाता है और मेजर कंट्रीज जो इसका उत्पादन करते हैं वो हैं USA, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको एंड इंडिया। इनका प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, इसको 2009-10 में इंडिया और भारत में और 2014-15 में क्या प्रोडक्शन रहा है इसको टेबल में दर्शाया गया है। और भारत के जो प्रमुख स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, ये कुछ यूपी, राजस्थान, ये मेजर स्टेट्स, ग्रोइंग स्टेट्स हैं, मेजर ग्रोइंग स्टेट्स। जिया जीनस की चार स्पीसीज हैं, इनमें से एक कल्टीवेटेड है जिया में, और इसके अलावा तीन वाइल्ड स्पीसीज हैं, जिया मैक्सिकाना एनुअल, जिया पेरिनिस ये पेरिनियल है, जिया डिप्लोपेरिनिस ये भी पेरिनियल है। इन तीन वाइल्ड कल्टीवेटेड स्पीसीज को छोड़कर जिया में जिया की ऑल स्पीसीज और सब स्पीसीज के लिए एक टर्म प्रयोग किया जाता है, ट्यूसिनाइट, जिसका मूल स्थान ग्वाटेमाला, मैक्सिको है। जिया मेज को उसकी फ्लोरल एम्ब्रियो और फ्लोरल ग्लूम्स के आधार पर सेविन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जिया मेज ट्यूनिकाटा, इसको पॉडकॉर्न कहते हैं, इस आउट ऑफ कल्टीवेशन है, ओल्ड इसकी खेती नहीं की जाती है। दूसरा ग्रुप है जिया मेज इवर्टा, इसको पॉपकॉर्न कहते हैं, इसके भुट्टे और दाने छोटे होते हैं, खील बनाने में प्रयोग किया जाता है। जिया में एमाइलेशिया, इसको सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोर कॉर्न कहते हैं, इसका आटा, दाने नरम होते हैं और इनके पीस कर आटा बनाया जाता है। जिया में सेकेराटा, इसको स्वीट कॉर्न कहते हैं और इसमें इसको हरी अवस्था में उबाल कर खाया जाता है और कैनिंग भी की जाती है। 1% तक इसका टोटल मेज प्रोडक्शन का 1% इसी को उगाया जाता है। अगली ग्रुप है जिया मेज इंडेंट डाटा, इसको डेंट कॉर्न कहते हैं, इसके दाने सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। लगभग 75% इसी की खेती की जाती है। अगला जिया मेज इंडूराटा, इसको फ्लिंट कॉर्न कहते हैं, इसके भुट्टे के दाने कुछ कड़े, माड़ीयुक्त और चिकने होते हैं, बीज का आकार गोल और ये डेंट कॉर्न से छोटे होते हैं। और अंतिम इसका ग्रुप है जिया में सरसाइना, इसे वैक्सी कॉर्न भी कहा जाता है, इसको देखने काटने पर मोम की तरह चिकने होते हैं, मोमी कॉर्न कहा जाता है। इसका उपयोग कपड़े, क्लॉथ और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। फ्लिंट कॉर्न के दाने गोल आकृति के और डेंट कॉर्न के दाने दांत की तरह से होते हैं। ये फिगर मेज का भारत में उपयोग हरे चार भोजन के रूप में, मनुष्यों के भोजन के रूप में और पशुओं के हरे चारे और सूखे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके दाने में 15.5% मॉइस्चर, 65% कार्बोहाइड्रेट, 11% प्रोटीन और 5% ऑयल पाया जाता है। इससे जो कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं, जिनमें है कॉर्न फ्लेक, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप, कॉर्न ऑयल, डेक्सट्रिन और एल्कोहल, इनका ये भी तैयार किए जाते हैं। इसमें मक्के में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है अधिकतर,
तो इसकी कुछ उच्च प्रोटीन मक्का की किस्में विकसित की गई हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन जिनमें ट्रिप्टोफेन और लाइसिन अमीनो एसिड हाई अमाउंट में पाया जाता है। मेज इम्प्रूवमेंट के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे सेंटर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर द इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर मैक्सको, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और इस सेंटर से मेज, व्हीट और ट्रिटकेल के इम्प्रूवमेंट का कार्य किया जाता है, और इस सेंटर पर मेज के ग्लोबल जीन पूल को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। नेशनल लेवल पर 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इसकी स्थापना ICAR के द्वारा की गई थी, और इस प्रोजेक्ट के अधीन 1961 में फोर हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप की गई, गंगा वन, गंगा 101, डेक्कन और रंजीत। इसी दूसरा है डायरेक्टोरेट ऑफ मेज रिसर्च, IARI कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, पूसा कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में, ये है DMR, डायरेक्टोरेट ऑफ मेज रिसर्च। और इसके अलावा विवेकानंद पर्वती कृषि अनुसंधान शाला अल्मोरा, जिसकी स्थापना अल्मोरा के में हुई, और ये हिल रीजन्स के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किस्में विकसित करने का कार्य इसमें यहाँ पर किया जाता है। मेज, इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन तो सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको में हुआ था। इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले, सभी फसलों का मुख्य ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव अधिक उपज प्राप्त करना होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करना इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है, और यील्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स होते हैं कॉब्स, नंबर ऑफ कॉब्स पर प्लांट, कॉब साइज, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर कॉब और 1000 ग्रेन वेट, ये यील्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी करेक्टर्स हैं, जैसे न्यूट्रिएंट अपटेक, ट्रांसलोकेशन, सिंक पोटेशियम यानी निर्मित भोजन को संचित करने की क्षमता, ट्रांसपीरेशन रेट, इन पर भी निर्भर करता है। इसके बाद दूसरा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है एडाप्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ऐसी वैरायटी डेवलप करना ताकि उनको विस्तृत क्षेत्र में उनको ग्रो किया जा सके, डिफरेंट रीजन और सीजन में उगाया जा सके, फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी डेवलप करना, और स्टेबिलिटी, यील्ड में स्टेबिलिटी के लिए अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी डेवलप करना, ताकि क्रॉप रोटेशन में, मेज की क्रॉप रोटेशन में उनको समायोजित किया जा सके। इसकी आगे अर्ली, मिड, लेट वैरायटी डेवलप की जाती हैं। इसके बाद अगला ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इसका होता है रेसिस्टेंस टू लॉजिंग, वाटर लॉजिंग, जल भराव वाले क्षेत्रों में जहाँ पानी भर जाता है, ऐसे क्षेत्रों के लिए किस्में विकसित करना, लॉजिंग रेसिस्टेंस, पौधों की गिरने के प्रतिरोधिता किस्में, प्रतिरोधी किस्में विकसित करना। इसके अलावा ड्रॉट हीट रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना, अधिक सूखा, अधिक गर्मी के प्रतिरोधी किस्में, और ठंडे क्षेत्रों में मक्के को उगाया जा सके इसलिए फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना। और कुछ इसमें जो मुख्य मुख्य रोग और कीट लगते हैं उनके प्रतिरोधी किस्में, मुख्य रोग कौन से हैं भारत में जो मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाने, कौन से मुख्य रोग हैं, उनमें मुख्य है मेडिस, लीफ ब्लाइटिस और टर्सिकम लीफ ब्लाइट, रस्ट, स्टॉक रॉट बोरर, ये कुछ कई इसमें से हैं जो फंगल डिजीज होती हैं, इनको, इनके प्रतिरोधी किस्में विकसित करना ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं इस फसल को जो मुख्य नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जैसे स्टेम बोरर है, सूट फ्लाई, लीफ रोलर, एफिड, ग्रास हॉपर, कटवर्म, ये कुछ मुख्य कीट हैं, इन कीटों के प्रतिरोधी किस्में विकसित करना ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। और अंत में इसकी क्वालिटी, यील्ड इम्प्रूवमेंट के साथ ही क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना भी महत्वपूर्ण ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। इसके दाने में 10% प्रोटीन होती है, जिसमें 8% प्रोलेमीन प्रोटीन, जिसको जीन नाम से जाना जाता है। ये मेज क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, और इसमें क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में प्रयोग की जाने वाले ब्रीडिंग मेथड्स का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ये ब्रीडिंग मेथड्स हैं इंट्रोडक्शन, मास सेलेक्शन, ईयर टू रो मेथड, रिकरेंट सिलेक्शन,
डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक कंपोजिट एंड कंपोजिट वैरायटीज और हाइब्रिड ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग मेथड्स हैं। अब इसमें हम पहले चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन। ये मेज अपने यहाँ की फसल नहीं है, इसको अमेरिका से लाया गया था और इसकी नई नई जीनोटाइप्स का प्रवेशन भी हमारे देश में मिड अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको से ही किया जाता है। और पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के द्वारा पॉपुलेशन के डिजायरेबल एलील्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के साथ ही इसमें पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन को मेंटेन रखने का कार्य किया जाता है। और पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत जो विधियाँ आती हैं इनमें पहली विधि मास सिलेक्शन होती है। मास सिलेक्शन में चयन किए इस विधि में डिजायरेबल करेक्टर्स वाले पौधों का फिनोटिपिक सिलेक्शन करते हैं और उन सब में सबसे जो प्राप्त बीज होता है इनको आपस में मिलाकर उनसे अगले साल फिर उगाते हैं। यही बार बार ऐसा रिपीट किया जाता है। ये एक सिंपल और सरल विधि है लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं, दोष हैं। पहला कमी ये है कि इसमें इस विधि में पॉलन पेरेंट में इस विधि पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। पॉलन किसी अच्छे पौधे से आए हैं या ख़राब पौधे से इसमें पता नहीं चलता, नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी इस विधि का दोष ये है कि जिस पौधे का चयन करते हैं उसकी सुपीरियरिटी अच्छे जीन्स के कारण होती है या वातावरण के कारण, इसका पता नहीं चलता है। और इन कमियों को दूर करने के लिए मास सिलेक्शन की इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए ईयर टू रो मेथड या हाफ सीप फैमिली प्रोजेनी सिलेक्शन का उपयोग किया जाता है। मास सिलेक्शन की जो दोष हैं, कमियां, उनके दूर करने के लिए प्रोजेनी टेस्टिंग पर आधारित ब्रीडिंग मेथड है ईयर टू रो मेथड, इसको हाफ सीप प्रोजेनी सिलेक्शन भी कहते हैं। और इसका विकास हॉपकिंस ने के द्वारा किया गया था। इसमें सिलेक्टेड प्लांट्स के क्रॉप्स का हाफ सीड अलग अलग लाइनों में बोया जाता है और जो प्रोजेनी लाइन अच्छी होती हैं केवल उन्हीं क्रॉप्स के पहले वर्ष रखे गए हाफ सीड को मिलाकर पॉपुलेशन तैयार की जाती है। नेक्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन पे आते हैं। ये चार प्रकार होता है, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कम्बाइनेबिलिटी, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कम्बाइनेबिलिटी एंड रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन में दो पॉपुलेशंस का एक साथ में सुधार होता है। रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, इसका विचार सर्वप्रथम कॉमस्टॉक, रॉबिन्सन और हार्विन ने 1949 में दिया था। इसमें पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन मान लीजिए ए और बी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन ए में इम्प्रूवमेंट के लिए पॉपुलेशन बी को टेस्टर स्ट्रेन के रूप में उपयोग करते हैं और पॉपुलेशन बी में इम्प्रूवमेंट के लिए पॉपुलेशन ए को टेस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये विधि उस समय रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए की भांति प्रभावी होती है जब किसी करेक्टर के लिए एडिटिव जीन एक्शन मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। और रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कम्बाइनेबिलिटी किस तरह उस समय प्रभावी होता है जब कोई करेक्टर, उसका कंट्रोल नॉन एडिटिव जीन के द्वारा होता है। रेसिप्रोकल इसमें दो पॉपुलेशन का एक सुधार, साथ सुधार, साथ ही उनकी जीसीए और एससीए में भी सुधार होता है। ये विधि है रिकरेंट सिलेक्शन की। ये चेसंस को, उनकी समस्याओं को दिखाया गया है रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन के द्वारा कैसे इम्प्रूवमेंट होता है। अगली नेक्स्ट ब्रीडिंग मेथड है डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी। सिंथेटिक वैरायटी डेवलप करने के लिए ऐसे इनब्रेड सेलेक्ट करते हैं जिनकी जीसीए हाई होती है, यानी इनका जीसीए टेस्ट करना आवश्यक होता है। और इन सिंथेटिक वैरायटीज को आइसोलेशन में ओपन पॉलिनेशन करके मेंटेन किया जाता है। सेलेक्टेड लाइंस के बीच में ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन में इंटर क्रॉस कराते हैं और सभी क्रॉसेस से प्राप्त सीड को इक्वल अमाउंट में मिक्स करके सिंथेटिक वैरायटी डेवलप की जाती है। इसी तरह से कंपोजिट वैरायटी, इसको भी सिंथेटिक वैरायटी के समान ही विकसित किया जाता है लेकिन सिंथेटिक वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी में जो कंपोनेंट लाइन प्रयोग की जाती हैं उनका जीसीए टेस्ट करना आवश्यक नहीं होता है। यही इन दोनों के, दोनों में अंतर है, बाकी दोनों के प्रोसीजर लगभग
समान होती है विकसित करने की, और इनको भी सिंथेटिक वैराइटीज की तरह आइसोलेशन में ओपन पॉलिनेशन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जाता है। अब अगली ब्रीडिंग मेथड हम चर्चा कर रहे हैं, हाइब्रिड ब्रीडिंग। हेटरोसिस हाइब्रिड, हाइब्रिड के द्वारा हेटरोसिस का उपयोग करने वाले मुख्य वैज्ञानिक जो मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा है जी एसल और डी एफ जोन्स हैं। हाइब्रिड कहते हैं किसको हैं, दो अनरिलेटेड पेरेंट्स या इनब्रेड लाइंस के बीच में क्रॉस करने से जो पहली संतत प्राप्त होती है वो हाइब्रिड्स कहलाती है, और मेज में इनब्रेड लाइंस का उपयोग करते हैं हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करने। हाइब्रिड मुख्य रूप से होती हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड, टॉप क्रॉस हाइब्रिड, डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड। हाइब्रिड डेवलप करने की पूरी प्रक्रिया तीन स्टेप पर पूरी होती है, डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड, एवोल्यूशन ऑफ इनब्रेड एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। इनब्रेड लाइन डेवलप करने के लिए लगातार कंटिन्यूस 7-8 जनरेशन तक सेल्फिंग करने करते हैं, और उसके उपरांत जो नियरली होमोजाइगस लाइन प्राप्त होती हैं वो इनब्रेड्स कहलाते हैं। इनब्रेड लाइन का एवोल्यूशन मुख्य उद्देश्य होता है कि सुपीरियर F1 हाइब्रिड पैदा करने के लिए दो इनब्रेड्स को सेलेक्ट करना, और इसका एवोल्यूशन एक तो फिनोटिपिक आधार पर करते हैं और दूसरा टॉप क्रॉस टेस्ट के आधार पर GCA SCA के लिए करते हैं। और इस प्रकार से एवोल्यूशन करने के उपरांत इन इनब्रेड्स का उपयोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है, और भारत में मुख्य रूप से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए मेज की फीमेल लाइनें 6 लाइन और मेल की मेल पेरेंट की 2 लाइंस में इस रेशियो में उगाया जाता है, और फीमेल लाइनों में जैसे ही टेसल निकलने वाला होता है उसी समय टेसल को ऊपर से कट कर दिया जाता है, इस क्रिया को डिटेसलिंग कहते हैं। और फिर इनकी जो फीमेल लाइंस पर बनने वाला बीज होता है वो हाइब्रिड सीड होता है। अगर फीमेल लाइन में जेनेटिक मेल स्टेल्टी हो तो फिर इसमें डिटेसलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से हाइब्रिड सीड हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करने का कार्य किया जाता है। अब अचीवमेंट के पे क्या उपलब्धियां मेज की रही हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। DMR डायरेक्टोरेट ऑफ मेज रिसर्च, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इनके द्वारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के द्वारा देश के विभिन्न भागों के लिए डिफरेंट मैच्योरिटी ड्यूरेशन वाली बहुत सी किस्में विकसित की गई हैं, और कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोसीजर के साथ ही DNA मार्कर्स को का उपयोग करके QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। और इसमें QPM का मतलब होता है इन किस वैरायटीज में प्रोटीन, इनकी प्रोटीन में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिनकी इन दोनों अमीनो एसिड की सीरियल्स में कमी पाई जाती है। जो नई कुछ रिसेंट वैरायटीज विकसित की गई हैं QPM की, HQPM5, HM8, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4, इसके अलावा PUSA IRI से कुछ रिसेंट वैरायटीज एक्स्ट्रा PUSA EXTRA LEE हाइब्रिड MAIZE 5, PUSA COMPOSITE 3, PUSA COMPOSITE 4, आज़ाद कमल, और विवेकानंद पर्वती कृषि अनुसंधानशाला से मुख्य विवेक 23, विवेक 25, विवेक 27, ये कुछ किस्में, ये ज़्यादातर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड पर आधारित किस्में हैं। और स्वीट कॉर्न में प्रिया स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न, ये वैरायटी विकसित की हैं।